बिना विराट कोहली के भी खिताब जीत सकते हैं। बॉलीवुड में सुपर स्प्रेडर होने का खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में दो चीजों में बवाल की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, एक तो क्रिकेट में बवाल की चर्चा और दूसरा बॉलीवुड में बवाल की चर्चा। सबसे पहले अगर क्रिकेट में बवाल की चर्चा की बात करें तो ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो हालात मौजूदा वक्त में टीम इंडिया को लेकर बने हैं उससे तो हर किसी की जुबान पर यही बात है कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ जहां रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया और विवाद को और बढ़ा दिया। और इसी बीच अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या ये सब कप्तानी को लेकर हो रहा है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ इसी वीडियो में जानेंगे बॉलीवुड के बवाल के बारे में भी कि कैसे कोविड नियमों को ताक पे रखते हुए बॉलीवुड एक्टर्स करीना कपूर और अमृता अरोड़ा ने कई पार्टियां की और बहुत से लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया, और क्यों बॉलीवुड में बढ़ रहा है कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेड होने का खतरा। मेरे यानी कि अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद ए2 में। तो चलिए सबसे पहले क्रिकेट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम को इस महीने साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है और अब इंडियन क्रिकेट टीम के पास टेस्ट और वनडे के लिए दो अलग अलग कप्तान है। जहां विराट कोहली सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं रोहित शर्मा को T20 के साथ साथ वनडे टीम की कप्तानी मिल चुकी है। अब इसे संयोग कहिए या फिर कुछ और कि कोहली रोहित की कप्तानी में नहीं खेलने वाले, क्योंकि कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं रोहित कोहली की कप्तानी में नहीं खेलने वाले क्योंकि वो चोटिल हो गए, जो इस बात को हवा दे रहा है कि अब टीम इंडिया में कप्तानी विवाद की वजह बन गई है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब BCCI ने विराट को वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन विराट कोहली 2023 के वर्ल्ड कप में वनडे टीम की कप्तानी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तय समय में जवाब ही नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर BCCI रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान बनाना चाहती थी, इसी वजह से विराट कोहली से BCCI ने जबरन वनडे टीम की कप्तानी छीन ली, जिसके बाद से BCCI पर सवाल उठने शुरू हो गए। ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने ये तक कह दिया कि रोहित शर्मा ने 2 साल पहले एशिया कप में भारत की कप्तानी की थी, जिसमें टीम इंडिया ने बिना कोहली के भी एशिया कप को जीता था। तो ये रोहित शर्मा की ताकत को बताता है कि वो बिना विराट कोहली के भी खिताब जीत सकते हैं। यही कारण है कि अब ये विवाद इंडियन टीम की ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया है और विराट कोहली और रोहित शर्मा में कप्तानी को लेकर टकराव होने लगे हैं। जहां एक तरफ BCCI रोहित शर्मा के पक्ष में है, वहीं विराट कोहली के फैंस BCCI पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो हुई क्रिकेट में बवाल की बात, अब हम चर्चा कर लेते हैं बॉलीवुड के बवाल की। देखिए, हुआ ये कि महाराष्ट्र में मंडराते ओमिक्रोन के खतरे के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई। इसके साथ ही उनकी करीबी दोस्त अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दरअसल इन दोनों को अपनी कई दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया था और ये पार्टी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर हो रही थी, जिसके बाद से दोनों पर बॉलीवुड में सुपर स्प्रेडर होने का खतरा मंडराने लगा है, जिससे बॉलीवुड में हलचल मच गई है। और यही नहीं, BMC की माने तो पिछले कई दिनों से करीना कपूर अपनी गर्ल गैंग के साथ कई पार्टियों में नजर आ चुकी हैं और इन पार्टियों में उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर और मलाइका अरोड़ा भी शामिल हुई थी। ये पार्टियां अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और करण जौहर के घरों में रखी गई थी, जहां सभी ने मिलकर खूब धमाल मचाया था और कोरोना के नियमों को लेकर खिलवाड़ किया था। इसलिए BMC ने करीना कपूर के साथ पार्टी में शामिल होने वाले कई एक्टर्स को कोरोना के नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया है। तो दोस्तों, हमने आपको दोनों बवालों के बारे में बताया, जिसमें एक तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस की लापरवाही देखी गई तो दूसरी तरफ BCCI और विराट कोहली का टकराव। खैर, बवाल की एक छोटी उम्र होती है, थोड़े दिन में लोग इन बवालों को चटकारे लेकर भूल जाएंगे। हम तो भूल जाएंगे, लेकिन ये बवाल बॉलीवुड और क्रिकेट पर गहरा असर छोड़ने वाले हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि अगले डीप एनालिसिस में आप मुझसे किसका एनालिसिस चाहते हैं। मिलते हैं अगले डीप एनालिसिस में। थैंक यू सो मच। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ।